अभी जायका। और आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मटन कीमे का स्टू। तो जिसके लिए मैंने कुकर रख दिया है और कुकर में मैंने 150 ml तेल गरम कर लिया है। तेल अच्छी तरीके से गरम हो गया है और मैंने उसे थोड़ा सा टेम्परेचर उसका कम कर लिया है ताकि जो हम मसाले डाले वो अचानक से जल ना जाए। तो अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ खड़े मसाले, जिसके लिए मैंने 1 चम्मच लिया है जीरा, बड़ा वाला सफेद जीरा, और 4 से 5 मैंने छोटी इलायची ली है हरी वाली, 1 बादियानी का फूल पूरा लिया है मैंने, दालचीनी के 2 छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं, और 10 से 12 काली मिर्ची लिए हैं, और 5 से 6 लौंग लिए। इसे हम डाल देंगे तेल में। जैसे ही मसाले भून जाएंगे थोड़े से हम इसमें डाल देंगे कटी हुई लाल मिर्चें सूखी वाली, ये मैंने 4 से 5 ली है और छोटी वाली है, ये थोड़ी तेज होती है तो मिर्चें आप अपने हिसाब से ले लें। इसे हम चला देंगे थोड़ा सा। हल्का सा भून लेंगे हम मिर्चों को। अब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज, तरीके से स्लाइस में काटा है इसे। इसे हम सॉफ्ट होने तक के पकाएंगे, ज्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो देखिए प्याज अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे कीमा। तो मैंने 750 ग्राम कीमा लिया है, 1/4 किलो, 1 किलो में 250 ग्राम कम, आप अपने हिसाब से कीमा कम ज्यादा कर सकते हैं। मशीन का कीमा है ये, हाथ का कीमा नहीं है। अब हम इसे प्याज के साथ में अच्छे तरीके से भून लेंगे। कम से कम हमें इसे 5 से 7 मिनट तक के भूनना है अच्छी तरीके से। अब हम इसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा और वो बच गया है, मैं वो भी डाल देती हूँ। इसे हम अच्छी तरीके से कीमे के साथ भून लेंगे अदरक लहसुन की अच्छी स्मेल निकलने तक के। 5 मिनट के लिए हमें इसे भूनना है। देखिए लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ में भी हमने कीमे को अच्छी तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। तो मैं 2 टीस्पून भर के डाल दे रही हूँ। देखिए आप मिर्च अपने हिसाब से कर लीजिए। और इसमें हम डाल देंगे कटी हुई प्याज। तो ये 2 मीडियम साइज की प्याज थी, इसे मैंने अच्छे तरीके से काट लिया है महीन। अब हम इसमें डाल देंगे भुना हुआ जीरा पिसा हुआ, ये भी हम 2 चाय का चम्मच डाल देंगे भर के। और इसमें हम डाल देंगे कटे हुए 2 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर बहुत से लोग नहीं डालते हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप डालें वरना ना डालें। मैं दोनों ही तरीके से बनाती हूँ, कभी मैं बिना डाले बनाती हूँ और कभी मैं टमाटर डाल के बनाती हूँ। तो ये दोनों तरीके से बहुत अच्छा बनता है, तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर लीजिए। तो इसे हम अच्छी तरीके से भूनेंगे 5 मिनट, और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे सीजनिंग। अब इसमें हम डाल देंगे जायके के हिसाब से नमक। तो मैं इसमें 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ। और सॉरी मैंने आपको जीरा पाउडर बोल दिया है, तो वो जीरा पाउडर नहीं है, भुना हुआ धनिया पाउडर है। तो अब हम इसे मिक्स कर देते हैं अच्छी तरीके से नमक को। कीमे को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसमें हम लगा देंगे हल्का सा पानी ताकि हमारा कीमा गल जाए। इसमें हमें लगाना है सीटियां। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप के बराबर पानी। और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मशीन का कीमा है तो बहुत जल्दी से ये टेंडर हो जाता है। अब इसमें हम लगाएंगे मीडियम फ्लेम पे 3 सीटियां। तो
मीडियम फ्लेम पे मैंने 3 सीटी लगा ली है। इसमें 3 प्रेशर दे दिया है। कुकर का ढक्कन मैं खोल रही हूँ। तो ये देखिए अभी इसमें हल्का हल्का सा बस खाली पानी लग रहा है, जरा सा, बहुत मामूली सा। तो इसे हम अच्छी तरीके से थोड़ा सा भून लेंगे। अगर आपको ऐसे ही रखना है तो आप थोड़ा सा भून करके इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। तो इसमें मैं जरा सा इसे अच्छी तरीके से भून लूंगी 5 से 6-7 मिनट तक का। तो देखिए घीमे को हमने अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 मुट्ठी भर के कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। इसे भी चला देंगे अच्छे से। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढक्कन इसका बंद करके इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे। उसके बाद हम करेंगे इसे डिश आउट। चलिए इसे निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में। तो देखिए कीमा बन करके रेडी हो गया है और ये बहुत टेस्टी बनता है। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़ती हैं और ये इसे आप पूरी के साथ में, पराठे के साथ में, नान के साथ में एंजॉय कीजिए। और दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घर में खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में इसे आगे शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।